प्रोग्राम्स ये एक्टिविटीज़ बच्चों को बहुत जरूरी है उनके इनर डेवलपमेंट के लिए, कि अगर पेरेंट्स इसमें आगे बढ़ के बच्चों को ये सब चीज पिज्जा खिलाने की जगह अगर इस पे खर्चा करे तो बच्चों का बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा। गर्ल चाइल्ड के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए बेस्ट स्कूल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और इस वक्त फिर से हम मौजूद है ईशान इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल में, जहाँ देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से बच्चे जो है वो कितना अच्छा डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चे जो है उनका डांस परफॉर्मेंस जो है वो शुरू हो गई है और कितने छोटे छोटे क्यूट से मासूम बच्चे हैं जो काफी प्यारा डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए कितनी मासूमियत के साथ वह साथ डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में देख सकते हैं उनके जो डांस वो उनको साइड से सिखाते हुए नजर आ रही है, उनको बता रही है कि डांस कैसे करना है वो, और बच्चे उनको देख के ऊपर डांस कर रहे हैं। देखिए बच्चे कितने मासूमियत के साथ डांस कर रहे हैं। देखिए बच्चे काफी भीड़ देखने को मिल रही है, पेरेंट्स भी यहाँ पे अवेलेबल है टीचर्स के साथ साथ, और बच्चे बहुत ही अच्छा बहुत बेहतरीन डांस परफॉर्मेंस दे रहे हैं। फेस्टिवल डे का फंक्शन आ गया, उस पर क्या कुछ कहेंगे आप खास? यही मैं सारे पेरेंट्स से अपने रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि बच्चों को हर फील्ड में आगे बढ़ाएं। सारे बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं होते, लेकिन अगर उन्हें हर फील्ड में मौका मिले आगे बढ़ने का तो उनका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, फिर वो कोई भी अपनी जिंदगी के किसी भी लड़ाई को बड़े हंसते हंसते पार कर जाएंगे। क्या कुछ खास आज एनुअल डे के दिन जो दिखने को मिल रहा है? हाँ, आज खास था हमारे एनुअल डे में, हमने उन पेरेंट्स को सम्मानित किया जो हमारे साथ हमेशा खड़े रहे अपने बच्चे के डेवलपमेंट में। ये हमारे प्रोग्राम का आज बहुत ही खास चीज था, और हमारे प्रोग्राम को सारे को एक संस्कार में संस्कृति में बांध दिया गया है कि जीवन के हर रंग को इसमें बटोरा गया, संवारा गया। बच्चों की बात करें तो क्या मतलब उस पे कैसे खास जो बात करें कि एक्टिविटीज को लेकर पढ़ाई को लेकर कैसे कुछ यहाँ पे दिखाई दे? मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम्स ये एक्टिविटीज़ बच्चों को बहुत जरूरी है उनके इनर डेवलपमेंट के लिए, तो मुझे तो अच्छा लगता है कि अगर पेरेंट्स इसमें आगे बढ़ के बच्चों को ये सब चीज पिज्ज़ा खिलाने की जगह अगर इस पे खर्चा करे तो बच्चों का बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा। तो देखा आपने, हमारे साथ मौजूद थी ईशान इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल की प्रिंसिपल, तो उन्होंने क्या कुछ बताया कि बच्चों को एक्टिविटीज में काफी ध्यान देनी चाहिए और बच्चों को पिज्जा पे खर्चा ना करके उनके पेरेंट्स को एक्टिविटीज पे खर्चा करना चाहिए ताकि बच्चे जो है वो काफी एक्टिविटीज में शामिल हो सके और काफी खेलते कूदते हुए नजर आ सके। यही मौजूद हम कुछ पेरेंट्स से भी जानेंगे कि उनके बच्चों में क्या कुछ खास एक्टिविटीज है। नहीं, हम सब प्रोग्राम देखने आए हैं। प्रोग्राम देखने आए हैं, फिर भी मतलब यहाँ पे बच्चों के लिए बात करें तो कैसी एजुकेशन, बात करें एक्टिविटीज? ये ऑलराउंड गर्ल चाइल्ड के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए बेस्ट स्कूल है। और कुछ पेरेंट्स से हम बात करेंगे यहाँ पे मौजूद जिनके बच्चे शायद स्कूल में। हेलो, हेलो, आपके मतलब बच्चे हैं स्कूल में? नहीं, मैं हम लोग इस प्रोग्राम को देखने आए हैं। आपके हिसाब से क्या इस स्कूल के एजुकेशन एक्टिविटीज की बात करें तो कितनी बहुत ही अच्छा है प्रोग्राम। तो आप देख रहे हैं न्यूज पीआर लाइव और मैं हूँ आपके साथ अंजलि ओम प्रकाश। तो देखा आपने यहाँ पे क्या कुछ कहा, यहाँ पे मौजूद जो कार्यक्रम देखने आए हैं उन लोगों ने, और यहाँ की प्रिंसिपल का क्या कुछ कहना था एक्टिविटीज और स्कूल को लेकर।